हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 2 ऑफ द बुक मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। वी ऑलरेडी डिस्कस चैप्टर 1, जिन्होंने भी नहीं किया देन गो थ्रू फर्स्टली द चैप्टर 1, क्योंकि इसमें हमने स्टडी किया था कि इन मिडिवल इंडिया के अंदर जो जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या कुछ चल रहा था और वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज वर्क कर रही थी। यूरोप के अंदर, अगर ईरान इराक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, इन सभी में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ वर्क कर रही थी और क्या वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में आगे हम पढ़ेंगे इंडिया में क्या हो रहा है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम ही हो रही थी, क्योंकि जो हमने वहाँ पर पढ़ा था, अगर रोमन एम्पायर के अंदर भी जो फ्यूडल सिस्टम आ रहा था उसी के बारे में आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्यूडल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा था इंडिया के अंदर भी। तो इसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं विद द चैप्टर 2। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल और देन प्रेस ऑन द थैंक्स आइकन एंड डोनेट समथिंग इफ़ यू रियली लाइक इट, बिकॉज वी नीड इट टू बूस्ट अवर मोरल फॉर मेकिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फॉर यू। ओके, दैट्स ऑल। देन स्टार्ट द चैप्टर हियर द नॉर्दर्न इंडिया। हम आज स्टडी करने वाले हैं नॉर्दर्न इंडिया, द एज ऑफ 3 एम्पायर्स 800 to 1000 AD। ठीक है, हम यहाँ पे जो टाइम पीरियड करेंगे 800 to 1000 AD के बीच का। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहती हूँ। अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको लोकेशंस पता चल जाएंगे कि हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं और कहाँ पे ये तीनों जो डायनेस्टीज थी, जो थी रूलर जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो कौन से एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया, पहले इसको गो थ्रू कर लेते हैं। हियर इज द मैप, इंडिया ड्यूरिंग 700 AD to 1030 AD। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे द एम्पायर ऑफ गुजर, प्रतिहारा, पालास, सेनास, इनके बारे में थोड़ा कम स्टडी करेंगे। सेना पाला के बारे में हम बार बार यहाँ पे बात होगी, पाला एंड गुजर, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास, इनके बीच में बाद में ही आता है परमारास, कलचूरीस, चोलास के बारे में भी। सो यहाँ पे जो एरिया या बोन ऑफ कंटेंशन जो रहा है बार बार, जो जिसके ऊपर युद्ध होते रहे हैं, बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स कन्फ्लिक्ट का जो एरिया है, वो था हमारा ये गंगा वैली रीजन। अब इस गंगा वैली रीजन के ऊपर ही क्यों इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर सिविलाइजेशन कहीं पर ग्रो करती है तो वो एक रिवर के, एक नदी के पास में ग्रो करी है। जैसे हमने एंशिएंट में पढ़ी थी, जो भी सिविलाइजेशन ग्रो हुई है वो एक नदी के किनारे ग्रो हुई है। तो यहाँ पे जो एक गंगा बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पे कवर करती है, बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पे हिमालय से निकलते हुए या यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब से, राजस्थान का कुछ एरिया, यूपी का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया से लेते हुए यहाँ पे बांग्लादेश और उसके बाद में नीचे ब्रह्मपुत्र से मिलते हुए यहाँ से आउट होती है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती हैं और ये जो एरिया है, अगर आप देखते हैं, एलुवियल सॉइल का एरिया है और ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। ठीक है, अभी भी ये बहुत ही फर्टाइल है, तो ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था। तो इसके लिए यहाँ पे रूल करने के लिए हर कोई चाहता था कि फर्टाइल एरिया हमें मिल जाए, जिससे फर्टाइल एरिया से जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, जो एक घूम फिर के अपने पशुओं को चरा के जो जीवन यापन कर रहा है, वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बन जाए, वो एक रहने लग जाए एक जगह के ऊपर। और लग रहे थे जिससे कि सिटीज़ डेवलप हो रही थी, गांव डेवलप हो रहे थे, बड़े बड़े शहर बन रहे थे। और यहाँ पे एक एरिया आता है, द पॉइंट इज़ कन्नौज का जो यहाँ पे एरिया आता है, कन्नौज को यहाँ पे उस टाइम पे ये माना जा रहा था, जैसे दिल्ली की तख्त को हासिल करना बाद में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया था कि दिल्ली को हासिल किया जाए, वैसे ही यहाँ पे कन्नौज को हासिल करना ऐसा था जैसे कि दिल्ली के तख्त पे आसीन हो गया। मतलब नॉर्दर्न इंडिया का कन्नौज एक प्राइम लोकेशन था जिसको हर कोई अपनी कैपिटल बनाना चाहता था और उस पर रूल करना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया वो कवर करती थी, यूपी बिहार वाला रीजन, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर भी था वो एरिया। दूसरा ये इसका प्रॉस्पेरिटी का एक और रीजन था कि यहाँ पे उस टाइम तक जो आयरन एज अ और निकालना शुरू हो गया था।
ठीक है। तो आयरन निकलना पहले आपको हमने पढ़ा होगा था कि कोपर के जो वेपन्स होते थे वो होते थे, पर अब यहाँ पे आयरन जो था एक लाइमलाइट में आ चुका था उसको, और उसको निकाला जाने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी मेटलर्जिक प्रोसेस होने लग गई थी। तो मैं आयरन के आने के बाद में एक आयरन एज शुरू होती है, जिससे कि क्या था कि जो वार इक्विपमेंट्स थे काफ़ी अच्छे बनने लग गए थे। जिनके पास में आयरन होता वो अच्छे वार इक्विपमेंट बना सकते थे और दूसरे को हराना उसके लिए ईजी था। तो ये भी एक पॉइंट था कि यहाँ पे इस एरिया को हर कोई हथियाना चाहता था। यहाँ पे हम देखेंगे बार बार जो भी कन्फ्लिक्ट होगा, कभी गुजर पतिहारा इसको एरिया को कवर अप कर लेंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ये गुजरात वाले रीजन को भी करेंगे। तो यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है कि जो इस एरिया को कवर अप करता है वो धीरे धीरे कई बार उनको यहाँ पे भी, मतलब मालवा रीजन से भी, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन से क्रॉस होते हुए वो गुजरात तक भी आना चाहते हैं, ताकि उन्हें सी पोर्ट का भी एक्सेस मिल जाए, मतलब वो अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें अदर कंट्रीज़ के साथ में। और फिर वो यहाँ से सिंध से होते हुए यहाँ पे इस एरिया के साथ में भी वो बना सकते हैं, ईरान, इराक, पाकिस्तान और ये वाला रीजन से भी। पाकिस्तान तो पहले इंडिया का ही था पार्ट, मतलब वो सिंध, यहाँ से ये बात की जा रही है कि जो गजनी किंगडम, जो अफगानिस्तान वाला रीजन हम मान सकते हैं, और उसके बाद में अबासिडी डायनेस्टी, वो इधर हम अगर बात करें कि ईरान इराक वाला रीजन, उसके बाद में रोमन एम्पायर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें, मतलब बाहर के वर्ल्ड के साथ का एक्सेस यहाँ पे उनको मिलता है। तो हर कोई इस रीजन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। अगर राष्ट्रकूटा भी हम देखें कि बीच में लड़ाई करते करते यहाँ से करते करते कई बार आ चुके हैं यहाँ पे कन्नौज पे, बीच में इन्होंने गुजरात वाले एरिया का एक्सेस भी पा लिया था, और फिर बाद में वापस ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाले रीजन में ही ज़्यादातर इनकी डोमिनेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। सो लेट स्टार्ट। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षा एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में इन 7th सेंचुरी बहुत सारे लार्ज स्टेट अरोज होते हैं नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन में और साउथ इंडिया के अंदर। गुप्ता और हर्षा ने जैसे ही एक सूत्र में बांधा था पूरे भारत को, उतना कोई नहीं कर पाया था, बस बार बार इनमें क्लैशेस होते रहे थे। 800-2000 के बीच में क्लैशेस देखेंगे हमें, और कभी किसी की प्रोमिनेंस, कभी किसी की प्रोमिनेंस आएगी। यहाँ पे गंगा वैली का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर्स था, बहुत सारे रिसोर्सेज थे यहाँ पे, जो बेसिस था गुप्ता एम्पायर का और हर्षा एम्पायर का, गंगा वैली रीजन ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और गुजरात से एक्सेस मिलने के बाद में ओवरसीज ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। मालवा और राजस्थान का जो रीजन है वो इन्हें लिंक प्रोवाइड करता है कि गंगा का लिंक हो, गंगा वैली का लिंक हो गुजरात के साथ में। ये डिफाइंड करते हैं जोग्राफिकल लिमिट ऑफ एम्पायर कि ईस्ट में कहाँ तक है, वेस्ट में कहाँ तक है, कि गुजरात तक इनको पहुँचना है। साउथ में अगर हम देखें तो चोलाज ने यहाँ पे कृष्णा गोदावरी और कावेरी वाला जो डेल्टाज वाला रीजन है वहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं। ये बेसिस थे सुप्रीमेसी ऑफ द साउथ इंडिया, मतलब इन डेल्टा रीजन पे जो भी कोई राज करेगा तो वो सुप्रीम होगा साउथ इंडिया के अंदर। तो देखते हैं कि बाद में उनमें भी क्लैशेज होते रहते हैं। लास्ट स्टेट डेवलप हो रहे थे नॉर्थ इंडिया और डेक्कन इंडिया के अंदर 750-1000 AD के अंदर, जो थे पाला, जो डोमिनेट कर रहे थे ईस्ट इंडिया को मिडल ऑफ ईस्टर्न इंडिया, मिडल ऑफ 9th सेंचुरी में। प्रतिहारा जो एम्पायर है वो डोमिनेट कर रहे थे वेस्ट इंडिया को और अपर गंगेटिक वैली को इन द मिडल ऑफ 10th सेंचुरी तक। और राष्ट्रकूटा जो एम्पायर है वो डोमिनेट कर रहे थे डेक्कन को, ठीक है। तो आपको ईस्ट का पता चल गया, दैट इज पाला, नीचे है राष्ट्रकूटा, और यहाँ पे जो वेस्ट में है दैट इज़ प्रतिहारा। पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा के बीच में कन्फ्लिक्ट चलेंगे, ठीक है। ईच ऑफ दीज एम्पायर ऑल दो द फोर्ट अमंग देमसेल्व्स, ये आपस में लड़ते रहते थे, बट इन्होंने ये क्या करा, ये नहीं कि लड़ रहे हैं तो उसके बीच में जो थोड़ा मोटा तो रिलैक्स का टाइम पीरियड आता उसमें ये कुछ और भी काम करते थे, लाइक दे एक्सटेंडेड द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ा दिया था, पॉन्ड डेवलप कर रहे थे, नहरें बना रहे थे, पॉन्ड्स बना रहे थे, आर्ट एंड लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज दिया था इन्होंने। इस टाइम पे आर्ट भी बहुत फ्लरिश हुई थी और लिटरेचर भी, टेम्पल्स भी बहुत बनवाए थे इन्होंने। इन तीनों के बीच में राष्ट्रकूटा एम्पायर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और कुछ लंबे एरिया में रहता है। इट वॉज नॉट ओनली पावरफुल एम्पायर, नॉट ओनली पावरफुल था उस टाइम का, ये एक ब्रिज का भी काम करता था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, जिसमें से वहाँ पे इकोनॉमिकल और उनके कल्चरल, जो कल्चर और इकोनॉमिक्स जो है आपस में शेयरिंग होती थी, ठीक है।
द स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन इन द नॉर्थ इंडिया. अब डोमिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करने के लिए पालास की स्ट्रगल के बारे में स्टडी करते हैं. ये जो पीरियड था आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल कन्फ्यूजन हो गया था. जैसे कि फॉर सम टाइम ललितादित्य, यहाँ पे कन्फ्यूजन, हर्षा जैसे ही डेथ हुई, ललितादित्य जो रूलर थे कश्मीर के, उन्होंने पंजाब को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर ये कन्नौज तक आ गए थे. अब ये ललितादित्य थे कौन? ये ललितादित्य ये कोई रूलिंग क्लैन से नहीं आते हैं. ये थे नागवंशी करकोटा कायस डायनेस्टी से थे कश्मीर के, जो पहले आर्मी में इनके जो दादा परदादा सर्व करते थे, पर बाद में इन्होंने राजा की बेटी से शादी कर ली और यहाँ पे अपनी डायनेस्टी बना ली. द नेम इज़ करकोटा डायनेस्टी. तो ये काफ़ी एबल रूलर थे वहाँ पे, जहाँ से मतलब ये सोल्जर मास्टरी थे तो काफ़ी एबल थे, योद्धा थे ये, और इनकी वजह से ही अरब और तिब्बतियन जो रूलर थे लद्दाख के रीजन में नहीं आ पाते थे, क्योंकि ये यहाँ पे इनको वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता था. तो ये फिर जो ललितादित्य थे ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये अपना बहादुरी दिखाते हुए पंजाब को क्रॉस करते हुए कन्नौज तक आ बढ़ते हैं. और यहाँ पे क्योंकि माना जाता था कन्नौज को उस टाइम पे क्या माना था, सॉवरेनिटी का सिंबल माना जाता था. मतलब कि जितना ही प्राइम लोकेशन इसको माना जाता था कि यहाँ पे राज कर लिया, मतलब तुम नॉर्थ के राजा बन गए हो यहाँ पे. जैसे कि दिल्ली की एक सीट थी ना, मैंने आपको बोला कि जैसे दिल्ली की सीट थी बाद में, वैसे ही यहाँ पे कन्नौज की सीट थी. कंट्रोल ओवर कन्नौज मीन्स आपका ऊपर कंगेटिक वैली पे आपका पूरा कंट्रोल हो गया, सारे रिसोर्सेज आपके हाथ में आ गए हैं, एग्रीकल्चर भी वहाँ पे काफ़ी फ्लरिश्ड थी. ललितादित्य ने यहाँ तक ये चले गए थे, बंगाल तक इन्होंने चले गए थे और वहाँ पे जो राजा था उनको मार दिया था. और उसके बाद में देखते हैं कि इनकी पावर बाद में कम हुई थी जब वहाँ पे पाला और गुजर प्रतिहारा रूल के अंदर आए थे. अब कैसे माने कि इन्होंने ऐसे इतनी सारी ये कहाँ से इनके हमें मिलते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी लड़ाइयाँ फोर्ट करी? तो वो कलहण जो कवि थे उन्होंने अपनी किताब जो लिखी थी राज तरंगिनी, उसमें इनकी लड़ाइयों के बारे में काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर ललितादित्य के बारे में. द पालाज एंड प्रतिहाराज आपस में क्लैश करते रहते थे इसी एरिया को कंट्रोल करने के लिए, बनारस वाला रीजन और साउथ बिहार वाला रीजन, क्योंकि ये काफ़ी रिच रिसोर्सेज थे यहाँ पे. प्रतिहाराज का क्लैश राष्ट्रकूटा के साथ में भी था फ्रॉम विद द डेक्कन. पाला एम्पायर वाज फाउंडेड बाय गोपाला. अब यहाँ पे इनके रूलर फर्स्ट किसने फाउंड किया था? इसे गोपाला ने फाउंड किया था इन 758 AD. अब यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बहुत निकलते हैं कि पाला को किसने फाउंड किया. इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी से भी पॉइंट बन सकता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से भी पॉइंट बन सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है. तो पाला एम्पायर फाउंड किया था गोपाला ने इन 750 AD. तो आपको याद रहा इस टाइम पे कौन सा बाहर से फॉरन एम्बेसडर आया था, ये चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है. यहाँ पे ये इलेक्ट किए गए थे किंग से, कोई बड़े बुजुर्ग ने इसे बना दिया था. ये भी कोई रूलिंग डायनेस्टी से नहीं आते थे, पहले इनके दादा परदादा राजा नहीं थे, ये अच्छे खासे एबल मैन थे, फोर्ट योद्धा थे, तो इनको बड़े बुजुर्ग ने बना दिया. क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे क्या चल रही थी अनार्की, किसी का भी रूल नहीं था, सबने अपने मन मर्जी से कार्य चल रहा था. तो बड़े बुजुर्ग ने सोचा कि भाई इन्हीं को बिठा दिया जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा. गोपाला वॉज नॉट बॉर्न इन अ हाई क्लैन, कोई हाई क्लैन थे नहीं थे, ये भी एक सोल्जर थे. उन्होंने पूरे बंगाल को यूनिफाई किया था अंडर इस कंट्रोल. और यहाँ पे ब्रॉट मगधा, जो 16 महाजनपद में जो आता था मगधा, उसको भी अपने कंट्रोल में ले आए थे. गोपाला के बाद में आते हैं उनके बेटे धर्मपाला, ये याद रखना है, गोपाला के बाद में धर्मपाला इन 770 AD के अंदर जो रूल करते हैं 810 AD तक. उनका रीन मान किया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिपार्टाइट आपस में तीनों की स्ट्रगल हो रही थी, पाला प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा की, कन्नौज के ऊपर राज करने के लिए. प्रतिहाला रूलर बाद में एडवांस्ड करते हैं गॉड तक, मतलब बंगाल तक भी जाते हैं. बट जैसे ही कोई डिसीजन निकलता, प्रतिहारा जैसे ही यहाँ पे बंगाल तक आए, तो प्रतिहारा रूलर का डिफीट हो गई थी राष्ट्रकूटा, यहाँ पे उनको हार मिलती है. राष्ट्रकूटा उन पर अटैक कर देते हैं ध्रुवा जी, और फिर उनको राजस्थान के रेगिस्तानों में जाके शरण लेनी पड़ती है, और ध्रुवा जी वापस डेक्कन में चले जाते हैं. तो यहाँ पे धर्मपाला जी के लिए खुली जगह मिल जाती है और वो कन्नौज पे राज्य कर लेते हैं और एक अपना बड़ा दरबार लगाते हैं और वहाँ पे अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े राजाओं को बनाते हैं, वत्सल रूलर्स को बुलाते हैं, और बढ़िया से डांस पार्टीज वहाँ पे होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अपना पूरा फर्दर से एक्सटेंड करते हैं वो पूरा इंडिया को लिमिट करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में,
मालवा बरार वाला रीजन भी अपने अंडर कंट्रोल में ले आते हैं। ये देखा जाता है कि अपेरेंटली इम्प्लायड दैट ये रूलर्स ऑफ दीज एरियाज, मालवा और बरार वाले रीजन के जो रूलर्स थे, वो उन्होंने घुटने टेक दिए थे धर्मपाला के आगे कि ठीक है भैया, हम मानते हैं आपको राजा, हम आपके साथ में कोई लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, बस हमें अपने एरिया पे रूल करने दीजिए, ठीक है, बट हाँ हम आपको राजा मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, द राजा कह देंगे आपको, ठीक है। ये ऐसा ठीक है, सुजरेनिटी बहुत सारे लोगों ने मान ली थी कि उनका रूल वहाँ पे चल रहा था, बट वो राजा को राजा, उनको राजा का मानता है, वो किसी पे युद्ध नहीं कर सकते थे राजा से पूछ लेना, ठीक है। अब ये काफ़ी अच्छी खुशियों का पीरियड था धर्मपाला के लिए, 792-8 बढ़िया खुशियाँ रंग रंगलियाँ मनाई गई। धर्मपाला कुछ नॉट रंग रंगलिया मीन्स इट्स मतलब एक बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला यहाँ पे माहौल चल रहा था, अच्छी पार्टीज हो रही थी। धर्मपाला कुछ नॉट हाउ एवर कंसॉलिडेट इज पावर इन नॉर्थ इंडिया, मोरा नॉर्थ इंडिया को पे कंसॉलिडेट नहीं रख पाए थे इससे ज़्यादा अपनी पावर को, क्योंकि वहाँ पे प्रतिहारा पावर दोबारा से रिवाइव्ड हो गई थी नागभट्ट 2 के बाद में। धर्मपाला को यहाँ पे डिफीट हुई मुंगेर के अंदर नागभट्ट 2 से, और बिहार और मॉडर्न ईस्ट यूपी जो था वो वहाँ पे दोबारा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया था पाला और प्रतिहारा के बीच में। हाउ एवर बिहार इन एडिशन टू द बंगाल रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ पाला, बिहार और बंगाल ये वाला रीजन जो पाला के पास में था ज़्यादा समय तक के लिए। फेलियर इन द नॉर्थ, अब वो नॉर्थ में तो फेलियर हो गए थे पाला के, टर्न टू द एनर्जीज इन द डायरेक्शन, अब उन्होंने सोचा कि नॉर्थ में हम हो गए फेल तो हम टर्न टू देयर एनर्जी कोई दूसरी डायरेक्शन में जाके अब हम युद्ध करते हैं। देवपाला जो संत थे धर्मपाला के, वो 810 में गद्दी पे बैठे, 40 साल तक उन्होंने रूल किया, अपना उन्होंने एक्सटेंट बढ़ाया। अब चलते हैं कि ईस्ट की तरफ चलते हैं, असम की तरफ गए थे जिसे बोला जा रहा था प्रयाग ज्योतिषपुर, ठीक है, ये असम को बोला जाता था। ये पूछ सकता है कि असम का क्या नाम था, प्रयाग ज्योतिषपुर किसका नाम था, असम का नाम था। और इन्होंने कुछ पार्ट ऑफ ओरिसा पे भी रूल किया, प्रोबेबली मॉडर्न नेपाल को भी इन्होंने घुटने टेका दिए थे, और यहाँ पे भी पहला सिजोरिटी मानी जाने लग गई थी। दस फॉर अबाउट 100 ईयर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी पाला रूलर डोमिनेट करते ईस्ट इंडिया पे, मतलब हमने देख लिया ईस्ट इंडिया, असम, ओडिशा और नेपाल वाला रीजन पे ये रूल करते। फॉर सम टाइम उनका कंट्रोल हम देखते हैं कि वाराणसी पे भी था। देयर पावर अटेस्टेड टू बाय द अरब मर्चेंट, अब यहाँ पे उनकी पावर के बारे में किसने लिखा है, अब याद रखना आपको, अरब मर्चेंट सुलेमान किसके टाइम पे आया था पाला, जिसने किसके कोर्ट में विजिट किया, मिडल ऑफ 9th सेंचुरी में आए थे और यहाँ पे इन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे मिडल ऑफ 9th सेंचुरी लिखा है, किसी का टाइम पीरियड में नहीं लिखा हुआ है और ना किसी राजा का नाम लिखा है, पर 9th सेंचुरी, ये पूछा था कौन सी सेंचुरी, मिडल ऑफ 9th सेंचुरी सुलेमान जी आए थे अरब मर्चेंट और उन्होंने पाला के बारे में लिखा है, और पाला को इन्होंने नाम दे दिया रुहमा, पाला किंगडम रुहमा, और पाला रूलर वाज विद द वॉर, इन्होंने बोला कि पाला रूलर के यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी प्रतिहार और राष्ट्रकूट से, पर उन्होंने लिख दिया कि भैया उनकी बहुत ही अच्छी 50,000 एलिफेंट, इतने सारे मैन कैवेलरी में, इन्फेंट्री में मैन थे, बहुत एग्जैग्रेट करके दिखाया गया, बताया कि उनकी बहुत सारी लार्ज मिलिट्री फोर्सेस थी। और काफ़ी उनके तिब्बतियन क्रॉनिकल्स में भी हम देखते हैं कि उनके बारे में हमें देखने को मिलता है कि तिब्बतियन क्रॉनिकल ऑल दो दीज रिटन इन असन, कि उनके आर्मी के बारे में, मतलब मिलिट्री उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसके बारे में हमें तिब्बतियन क्रॉनिकल से भी मिलता है और अरब क्रॉनिकल से भी मिलता है। पाला रूलर वन ग्रेट पैटर्न ऑफ, यहाँ पे पाला रूलर ग्रेट पैटर्न थे बुद्धिस्ट का तिब्बत में, क्योंकि यहाँ पे इनके एम्बेसडर्स गए थे तो वहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग और रिलीजन, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक अलग फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, लेमाइज़्म जो था वहाँ पे, एक नया सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म आया था जो महायाना फिलोसफी से, जो महायाना बुद्धिज़्म से रिलेट करता था। तो यहाँ पे देख रहे थे कि एम्बेसडर जा रहे हैं, बुद्धिज़्म भी काफ़ी फ्लरिश हो रहा है उनके पाला के टाइम पे। पाला रूलर पैटर्न से बुद्धिस्ट नालंदा यूनिवर्सिटी जो फेमस थी ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो रिवाइव करी थी धर्मपाला। देखिए यहाँ पे रिवाइव लिखा हुआ है, बनाई नहीं गई है, रिवाइव की गई है, बनी तो थी गुप्ताज के टाइम पीरियड में, ठीक है, 5th-6th सेंचुरी के अंदर, ये गुप्ता के टाइम पीरियड के अंदर बनी थी और रिवाइव की थी, दोबारा से इसको रिवाइव कर दी थी। क्योंकि क्या हो गया था कि उस टाइम पे बहुत सारे जो टेक्स्ट थे वो कोई भी पिलग्रिमेज आया वो उठा के ले गया, फिर कोई दूसरा आया फिर वो उठा के ले गया, तो काफ़ी ये टाइम पीरियड था। तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ, मगध में, एंशंट मगध के अंदर जो मॉडर्न डे बिहार वाला रीजन है वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये एक पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे लोग रह सकते थे, स्कॉलर्स यहाँ पे रहते थे और ये ग्रेट सेंटर्स था लर्निंग का एंशंट वर्ल्ड के अंदर।
यहाँ पे ये जो यहाँ पे पैट्रनेज दिया जाता था आर्ट्स एंड एकेडमी को, यहाँ पे इस टाइम पीरियड को 5th-6th century को गोल्डन एज ऑफ इंडिया माना जाता है स्कॉलर्स के द्वारा, क्योंकि ये गुप्ता के एम्पायर के अंदर ये फ्लरिश हुई थी। बट बाद में क्या हुआ था कि 7th centuries के अंदर बहुत सारे जैसे कि पिलग्रिम आए थे, जुआंग जंग जो चाइना से आए थे, 657 संस्कृत टेक्स्ट उठा के ले गए यहाँ से। फिर आया था येंग जिंग जो 7th century में आए थे, 400 संस्कृत टेक्स्ट उठा के ले गए यहाँ से। तो फिर यहाँ से फिर इसका जो थोड़ा सा जो था यहाँ पे डिक्लाइन होने लग गया था, जिसको दोबारा से यहाँ पे इन्होंने रिवाइव किया था। अब नालंदा यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ अलाउड बुद्धिस्ट स्कूल या फिलॉसफी थी, इसके अलावा यहाँ पे ग्रामर, मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी। अभी भी ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पे। अब यहाँ पे इन्होंने इसको रिवाइव किया बट इन्होंने फाउंड किसको किया था, दे फाउंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। और उसको उन्होंने 200 विलेजेस दे दिया कि आपको ये विलेजेस दे दिए गए हैं, आप इनसे अपने एक्सपेंसेस निकालिए, सारा रेवेन्यू आपको इनसे लेना है और आप अपने यूनिवर्सिटी का एक्सपेंसेस निकाले, तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इट वॉज लोकेटेड ऑन द हिल। अब ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अच्छे खासी पहाड़ी एरिया में इन्होंने बनाई, गंगा के किनारे पे बनाई, अच्छा प्लेजेंट व्यू था, देखने से मजा आ जाते थे, काम करने में पढ़ने में यहाँ पे मजा आ जाते थे। क्या यूनिवर्सिटी बनाई, द पालास बिल्ड मैनी विहार, बहुत सारे विहार भी बनाए उन्होंने बुद्धिस्ट मोंक के रहने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाता था कि ये धर्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते थे, लिबरल थे, ऐसा नहीं कि हमने अपना धर्म ही माना, नहीं भैया तुम कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। पाला रूलर का काफ़ी कल्चरल रिलेशंस भी थे, किसके साथ में, तिब्बत के साथ में। बुद्धिस्ट स्कॉलर यहाँ पे जो मैं अभी बता रही थी, बुद्धिस्ट स्कॉलर संतरारिक्षा और दीपांकरा जिन्हें अतिस्ता बोला जाता था, ये तिब्बत में गए थे और उन्होंने एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वहाँ पे लमाइज्म बनाया था, जो काफ़ी हद तक हीनयान बुद्धिज्म से, महायान बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड था। इन्हीं के रिजल्ट में देखते हैं कि बुद्धिस्ट तिब्बत बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आने लग गए थे कि भैया क्या बढ़िया यहाँ पे इनकी फिलॉसफी है, उसको स्टडी करने के लिए आते थे ये लोग। ये नहीं कि बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज दे रही है, सेविज़्म को भी पैट्रोनेज देते, वैष्णविज़्म को भी पैट्रोनेज देते थे, उनके लिए भी ब्राह्मण को भी पैट्रोनेज देते थे, यहाँ पे उनके लिए काफ़ी मतलब गाँवों का उनको दे देते थे, 100 विलेज, 20 विलेज, 30 विलेज जो भी हो उनकी सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसकी वजह से यहाँ पे लोग आके रहने लग गए थे, ठीक है, इन एरियाज के अंदर। तो उन सेटलमेंट से क्या हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था, कल्टीवेशन का इस एरिया में सेटल्ड रहने, पहले पेस्टोरेंस कम्युनिटी थी, उससे सेटल्ड कम्युनिटी बनने लग गई थी। बंगाल की प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट आपस में बढ़ रहे थे, क्योंकि बंगाल वाला रीजन क्या था, कॉन्टेक्ट बढ़ाता है हमारे बर्मा से, मलाया, जावा, सुमात्रा, यहाँ से भी हमारे ट्रेड होने लग गया था और यहाँ के एम्बेसीज में भी हमारे जो लोग थे इंडियन वो जाने लग गए थे। तो काफ़ी इनके मतलब जो कंट्रीज के, इन बर्मा, मलाया, जावा के कंट्रीज के किंग्स के साथ में भी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। ट्रेड जो था साउथ ईस्ट एशिया से वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल था, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल जाता था, गोल्ड और सिल्वर मिल जाता था, जिससे हमारा जो प्रॉस्पर होता गया बंगाल। द पावरफुल शैलेंद्र डायनेस्टी, जो शैलेंद्र डायनेस्टी जो रूल कर रही थी मलाया, जावा, सुमात्रा पे, उसके साथ में हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, वहाँ पे हमारा बुद्धिज्म फ्लो हो रहा था, वहाँ की एम्बेसी से काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ पे आते थे पाला कोर्ट के अंदर, और उन्होंने बोला कि भैया हमें नालंदा के पास में रहने की मॉनेस्ट्री हमारे लिए बनाई जाए, और राजा ने बोल दिया ठीक है जी, हम आपके लिए मॉनेस्ट्री बना के देंगे और साथ ही साथ हम आपको 5 विलेज भी दे देंगे, आपका खर्चा पानी भी उसमें निकल गया। तो क्या क्या बात हुई भैया, वाह क्या बात है, राजा तो पूरा खुश शैलेंद्र डायनेस्टी का। तो यहाँ पे देखा जाता है कि दोनों के बीच में, एम्पायर्स के बीच में काफी अच्छे क्लोज रिलेशन थे और हमारा ट्रेड काफी अच्छा फ्लरिश था उस टाइम पे, कल्चर भी यहाँ पे आपस में ग्रो हो रहा था। द प्रतिहारा, द प्रतिहारा के केस में क्या हो रहा था, प्रतिहारा जो रूल्ड करते थे कन्नौज पे बहुत लंबे समय तक इन्होंने रूल किया, इनको बोला जाता है गुर्जर प्रतिहारा। गुर्जर क्यों बोला जाता है, माना जाता है कि ओरिजिनेट करते हैं गुर्जर से, जो उस टाइम की पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी और ये फाइटर्स होते थे, लाइक जट्स की तरह ये फाइटर होते थे, तो ये पेस्टोरलिस्ट थे और फाइटर थे, तो इसलिए इनको गुर्जर क्लैन से बोला जाता है, तो इनका पूरा नाम दिया जाता है गुर्जर प्रतिहारा। प्रतिहारा ने अपने एस्टेब्लिश की सीरीज ऑफ प्रिंसिपैलिटी, मतलब एक प्रिंस के बाद में दूसरा प्रिंस आया आते गए, प्रिंसिपैलिटीज इन्होंने एस्टेब्लिश की सेंट्रल और ईस्टर्न राजस्थान तक, ये रूल कर रहे थे, बाद में ये कन्नौज पे आए थे। इनका क्लैश चलता रहता था राष्ट्रकूटा के ऊपर, राष्ट्रकूटा के साथ किसके लिए, मालवा, गुजरात के रीजन को कंट्रोल करने के लिए।
लेटर बाद में ये कन्नौज की तरफ रुख किया था उन्होंने। प्रतिहारा ने अपनी कैपिटल बनाई थी सबसे पहले भीमल, भीमल को अपनी कैपिटल, अब भीमल कौन सा एरिया, जालोर वाला राजस्थान वाला एरिया है, और यहाँ पे काफी प्रोमिनेंस थे अंडर नागभट्टा वन, जिन्होंने काफी यहाँ पे डिफीट करी थी अरब रूलर को। मतलब राजस्थान वाला एरिया है ये भी हमारा, ये वाला एरिया हो गया वेस्ट वाला एरिया, यहाँ से अरब रूलर अंदर से आते थे बट ये आने नहीं देते थे, काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर थे तो ये इनको आने नहीं देते थे। अरब को काफी बिग ट्रस्ट मिलती थी इनके थ्रू, गुजरात के अंदर भी अनडिफीटेड बाय द चालुक्य रूलर इन गुजरात, और उनको अरब को हराया था चालुक्य रूलर के साथ में मिलके इन गुजरात 738। ऑल द स्मॉल अरब, फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े स्मॉल इंकर्शन कभी आ गए, थोड़ा मोटे लूटपाट करके लिए, ये तो चलती रहती थी पर आके कभी रूल नहीं कर पाए थे। द एफर्ट्स ऑफ अर्ली प्रतिहारा रूलर वर एक्सटेंड टू द कंट्रोल ऑफ अंडर गंगा वैली, वो अर्ली प्रतिहारा गंगा वैली को अपने अंडर लेना चाहते थे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि जो इन्होंने मतलब अब जहाँ पे इन्होंने इनको अरब को हराया था तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस भी बनाया था अरब को हराने के लिए। मतलब ये इतना नहीं था कि बिल्कुल लड़ने भिड़ने, अगर कोई बाहर वाला आ रहा है तो उसको उसके लिए यूनाइट भी हो जाते थे, पर बाद में क्या हो गया था ये यूनाइट नहीं होते थे, ये उन्हीं के साथ में मिल जाते थे। जैसे यहाँ पे जय सिम्हा, बप्पा रावल, इन सभी ने मिल के यहाँ पे अरब को हराया था, बट बाद में क्या चीजें हो गई थी, कुछ चीजें चेंजेस हो गई थी जिसके कारण से हम डिक्लाइन हो गए थे। गंगा वैली मालवा डिफीट बाय द राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा एंड गोपाला थ्री, इन गोपाला थ्री 790 अगेन 806 एंड 7 में राष्ट्रकूटा डिफीट द प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा ने प्रतिहारा को डिफीट किया और उनको, एंड फिर डिफीट करने के बाद में उन वापस चले गए अपने डेक्कन में और फील्ड को फ्री छोड़ दिया किसके लिए, पाला के लिए। पाला की हमेशा यहाँ पे चांदी हो जाती है, उनके लिए फील्ड फ्री छोड़ दिया जाता है, वो राष्ट्रकूटा आते हैं, लड़ते हैं, हराते हैं और वापस अपने डेक्कन चले, लूटपाट करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ चले ही जाते हैं, लूटपाट करके अपने एरिया को प्रॉस्पर कर देते हैं, बट ये नहीं कि हमें इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ रहा बार बार यहाँ पे, फिर हमें तुम हटाने के लिए आ जाओ, हम 10 दिन रहेंगे फिर लड़ने आ जाओ, ठीक है हम तो अपने नीचे ही सही है। Perhaps the main interest of Rashtrakuta work क्या था, उनका main interest क्या था कि हमें तुम्हारा कन्नौज नहीं चाहिए, हमें तो मालवा और गुजरात चाहिए, जब हमें मालवा और गुजरात मिल जाएगा तो हमारा foreign extent बढ़ जाएगा, हमें उसकी की जरूरत है। रियल फाउंडर प्रतिहारा का माना जाता है और ग्रेटेस्ट रूलर उस टाइम के माने जाते हैं भोजा जी। हम अर्ली लाइफ का इतना ज्यादा इन्होंने नहीं बताया पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एम्पायर को रीबिल्ड किया था अराउंड 836 एडी में और रिकवर्ड किया था कन्नौज को जो उनकी कैपिटल रही थी प्रतिहारा एम्पायर की अराउंड सेंचुरी तक, 100 सालों तक कैपिटल रही थी। भोजा ने अपने एम्पायर को बढ़ाने की काफी कोशिश की थी ईस्ट में बट डिफीट हुए थे बाय द चेकमेटेड बाय द पाला रूलर देवपाला, देवपाला के साथ में उनकी मोनो कंटेंशन थी, देवपाला ने हराया था। अब उन्होंने अपना रुख किया सेंट्रल इंडिया और डेक्कन में और गुजरात में, यहाँ पे रिवाइवल दोबारा से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है उनकी राष्ट्रकूटा के साथ में। यहाँ पे ब्लडशेड वाला सेंग्विनरी नहीं बढ़ा, मतलब पूरे खूनी लड़ाई होती है, कुछ नहीं देखा जाता, एक दूसरे से भाले से चाकू झुलियों से जिससे जो मर रहा मारे जा रहे हैं। यहाँ पे कहाँ पे, नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के बैंक पे मध्य प्रदेश में यहाँ पे लड़ाई होती है। भोजा अपने पावर कंट्रोल कर पाते हैं मालवा के बीच में और कुछ गुजरात के एरिया के अंदर, तो यहाँ पे भोजा जी की विजय होती है और मालवा और गुजरात के रीजन पे इनका कंट्रोल हो जाता है। बट ही कुड नॉट प्रोग्रेस नो फर्दर, पर वो डेक्कन पे मतलब नहीं जा पाते, ये सेंट्रल इंडिया तक रह जाता है, डेक्कन की तरफ रुक नहीं करते क्योंकि आगे ही बहुत ज्यादा उनका लॉस हो चुका था। हेंस ही टर्न अटेंशन टू द नॉर्थ अगेन, अब दोबारा से वो नॉर्थ की तरफ ही जाते हैं कि ठीक है सेंट्रल हो गया अपना, नॉर्थ तक जाओ। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन उनकी टेरिटरीज एक्सटेंड करती थी वेस्टर्न साइड में रिवर सतलुज तक, ठीक है ये जो पंजाब और ये वेस्ट वाला जो रीजन है। अरब ट्रेवलर्स कहते हैं यहाँ पे कि प्रतिहारा रूलर्स जो थे बेस्ट कैवेलरी थी उनकी इंडिया के अंदर, क्योंकि इनको जो घोड़े कहाँ से मिल जाते थे सेंट्रल एशिया और इंडिया से बुला रहे थे, तो बेस्ट कैवेलरी थी इनकी इंडिया के अंदर। देवपाला की डेथ के बाद में पाला एम्पायर काफी वीक हो जाता है और भोजा अपने एम्पायर को ईस्ट तक भी पहुंचा देते हैं, इधर सतलुज हो गया, इधर ईस्ट हो गया, बंगाल वाला रीजन हो गया और यहाँ पे साउथ में ये इनको डेक्कन, ये जो रीजन है गुजरात और मालवा वाला रीजन इनको मिल गया, तो काफी बड़ा एम्पायर हो जाता है इनका। भोजा को एक बहुत बड़े योद्धा के नाम से इनको माना जाता है। सॉरी, यहाँ पे भोजा की अर्ली लाइफ के एडवेंचर्स और इनके कन्वेस्ट के बारे में, फाइनल वो रिकवरी करते हैं कन्नौज को, तो मतलब उनको बहुत बड़ा ग्रेट एम्पायर माना जाता है और
और लीजेंट माना जाता है, उनको योद्धा माना जाता है, वो डिवोटी थे विष्णु जी के, और उन्होंने अपने आप को बाद में टाइटल दिया था आदिवरहा, मतलब विष्णु जी का जो इनकार्नेशन है, जो उनका एक अवतार है वरहा अवतार, तो उसी से इन्होंने अपने आप को माना आदिवरहा। उनके कई इंस्क्रिप्शन पे भी, उनके कॉइन्स के ऊपर भी लिखा हुआ आदिवरहा, और अपने आप को ये मिहिर भोज भी इन्होंने आपको टाइटल दिया था। भोजा प्रोबेबली डाइल्ड होते हैं 885 के अंदर, और उनको उनके सन आगे सक्सीड करते हैं महेंद्रपाला वन। महेंद्रपाला का रूल रहता है 908-909, वो अपने एम्पायर को मेंटेन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं मगध तक और नॉर्थ बंगाल तक। उनके इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं काठियावाड़ में, पंजाब और अवध के अंदर। तो देख सकते हैं कि यहाँ तक उनका रूल था, काठियावाड़ में गुजरात वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन और अवध, पंजाब हमने बोला सतलुज वाला और अवध तक। महेंद्रपाला की बैटल होती है किंग ऑफ कश्मीर के साथ में, और जहां से वो कुछ उनको टेरिटरीज मिलती है कश्मीर की, पंजाब भी वॉन हो जाता है भोजा द्वारा। प्रतिहारा जस्ट डोमिनेटेड द नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रतिहारा डोमिनेट करते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया को और अपने रूल को 100 साल तक बनाए रखते हैं। अल मसूदी, अब यहाँ पे आप देख लीजिए अल मसूदी जी आ रहे हैं। अल मसूदी जो बगदाद के नेटिव है, वो यहाँ पे विजिट करते हैं गुजरात को 915 में, और टेस्टिफाई करते हैं कि भैया बहुत बड़ी पावर है प्रतिहारा, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पावर है और उनका एम्पायर काफी वास्ट है। वो कहते हैं गुजर प्रतिहारा को जैसे कि अल जुजार, उनको किंगडम को नाम दिया अल जुजार, जो करप्ट फॉर्म है कि गुजरात, गुजर गुजरा की करप्ट फॉर्म है, अल जुजार बोला और किंग को बोला उन्होंने बोरा, बहुत भोज को बना दिया उन्होंने बोहरा। तो ये यहाँ पे इनके बारे में बता। तो अब आपको देख रहे हैं कि प्रतिहारा के बारे में किसने बनाया था, अल मसूदी ने, ठीक है, बगदाद के जो रहने वाले थे। अल मसूदी से अम्पायर जो जुजार जी का जो एम्पायर है, जो गुजर प्रतिहारा जो एम्पायर है, उसमें इतने सारे कुछ 1,80,000 विलेजेस हैं, रूरल एरिया भी काफी बड़ा है, 200 किलोमीटर तक इनकी लेंथ है और 2,000 किलोमीटर तक की इसकी ब्रेथ है, मतलब काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं। इनकी आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है, 7,00,000 से 9,00,000 मैन है इसके अंदर, और ये मुल्तान के साथ में, मुस्लिम के साथ में भी लड़ते हैं, बट वो विजयी होते हैं, बहुत बड़े रूलर है, बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ा एरिया पे रूल कर रहे हैं। आर्मी ऑफ द साउथ फॉट अगेंस्ट द राष्ट्रकूटा एंड ऑफ द ईस्ट अगेंस्ट द पाला। अभी उनकी आर्मीज जो थी लड़ रही होती हैं, मतलब वो बता भी देते कि उस टाइम पे दूसरा किसका रूल चल रहा था, इधर मुल्तान में ईस्ट में पाला चल रहे हैं, साउथ में डेक्कन में राष्ट्रकूटा चल रहे हैं, तो वो दूसरे एम्पायर के बारे में भी हमें कुछ बताते हैं। He had only 2,000 elephants trained for a war, but the best cavalry of a king in the country. तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि elephants तो उनके पास में कम ही है, but उनकी cavalry काफी अच्छी है। तो हमें ये काफी चीजें के बारे में knowledge देते हैं अल मसूदी जी। प्रतिहारा और पैटर्न थे लर्निंग एंड लिटरेचर के, सभी जो लोग हैं इस टाइम के, हम देखते हैं कि पैट्रोनेज देते हैं लर्निंग और लिटरेचर को। इनके टाइम में जो संस्कृत पोइट है राजशेखर, वो इनके कोर्ट पोइट थे, महीपाला के टाइम पे रहते थे। जो महीपाल कौन थे, ग्रैंड सन थे, उनके पोते थे भोजा जी के। प्रतिहारा ने हम देखते हैं कि कन्नौज को भी काफी सजाया था, साज सज्जा करी थी, बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई थी, टेम्पल्स बनाए थे। अब जो यहाँ पे जिसका नाम लिया गया है राजशेखर, तो अगर इनकी कोई आ जाए कि इन्होंने क्या लिखा था, या ये जो राजशेखर थे इन्होंने काव्य मीमांसा लिखी थी, और यहाँ पे विद्याशाला भंजिका या बाला भरता ये इनके द्वारा लिखी गई थी। तो राजशेखर जी के बारे में काफी महान पोइट थे, वो भी यहाँ पे इनके महीपाला जी के कोर्ट में थे। ड्यूरिंग 8th या 9th सेंचुरी बहुत सारे इंडियन स्कॉलर हम देखते हैं कि एम्बेसीज भेजते हैं खलीफा ऑफ बगदाद के कोर्ट के अंदर। ये जो स्कॉलर्स हैं वहाँ पे इंडियन साइंस के बारे में बताते हैं, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, जीरो की नॉलेज देते हैं उनको, अलजेब्रा और मेडिसिन के बारे में अरब वर्ल्ड में बताते हैं। वी डू नॉट नो कि यहाँ पे कौन से किंग्स थे जो भेजते थे, बट हाँ हमारे बगदाद के साथ में भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, ठीक है, हमारी एम्बेसीज वहाँ पे जाती थी। प्रतिहाराज वर नॉन वेल नॉन, क्योंकि उनकी हॉस्टिलिटी तो थी अरब रूलर्स के साथ में, बट ये नहीं था कि स्कॉलर्स को आने जाने नहीं दिया जाता था, स्कॉलर्स आते जाते थे। वो हर किसी के राजा के पीरियड में स्कॉलर्स को कोई मना नहीं, बल्कि स्कॉलर्स को यहाँ पे रहने के लिए पैट्रोनेज भी दिया जाता था, पैसे भी दिया जाता, रखा भी जाता था, उनको काफ़ी अच्छी उनका वेलकम भी किया जाता था। बिटवीन 915-980 राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा III अगेन अटैक्ड करते हैं कन्नौज पे। अब राष्ट्रकूटा जी दोबारा उनके आगे मन में कि चलो अब चल, बहुत दिन हो गए, कन्नौज के ऊपर लड़ाई की जाए, और पूरी सिटी को वहाँ पे तहस नहस कर देते हैं, लूटपाट कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि फिर प्रतिहारा एम्पायर काफ़ी वीक हो जाता है, और गुजरात दोबारा किसके हाथ में चला जाता है, राष्ट्रकूटा के हाथ में।
फॉर अल मसूदी, यहाँ पे अल मसूदी जी ने यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि प्रतिहारा एम्पायर नो एक्सेस टू द सी, क्योंकि प्रतिहारा का कोई एक्सेस टू द सी नहीं था, मतलब कि ये किसके पास में चला गया था, राष्ट्रकूटा के पास में। लॉस ऑफ गुजरात विज अ हब ऑफ ओवरसीज, जो गुजरात का लॉस उनके लिए सहन नहीं हुआ क्योंकि ओवरसीज ट्रेड चला गया, ठीक है। तो वाज अनदर टू ब्लो टू प्रतिहारों का काफी लॉस हुआ यहाँ पे। अनदर राष्ट्रकूटा रूलर जो कृष्णा थ्री, वो द्वारा इन्वेड करते हैं नॉर्थ इंडिया पे 963 में और फिर प्रतिहारा रूलर को हटा दिया जाता। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा फिर उसके बाद में प्रतिहारा रूरल डेडी हो जाता है, खत्म हो जाता है, किसके बाद में, कृष्णा थ्री से, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे बार बार राष्ट्रकूटा आ रहे हैं और यहाँ पे प्रतिहारा को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतिहारा कृष्णा थ्री के बाद में डेड हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रेट एम्पायर राष्ट्रकूटास, पालाज एंड प्रतिहारा रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया पे और डेक्कन में रूल कर रहे थे राष्ट्रकूटा। ये एक रिमार्केबल डायनेस्टी है, लॉन्ग लाइन ऑफ वॉरियर्स हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे, जिसकी वजह से कोई किंगडम चलता है, मतलब उनके योद्धा भी अच्छे होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर, ये नहीं कि योद्धा योद्धा बेचारे लड़ाई पे जा रहे, पीछा सब कुछ चौपट हो गया काम, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे होने चाहिए और वॉरियर्स भी अच्छे होने चाहिए, तो ही कोई किंगडम फ्लरिश होता है और लंबे समय तक चलता है। इसको फाउंड किया था दांती दुर्ग ने, अभी ये याद रखना है, दांती दुर्ग ने इसे सेटअप किया था और अपनी कैपिटल बनाई थी, मान्या खेत या मालखेड़, जो मॉडर्न शोलापुर जिसे बोला जाता है। राष्ट्रकूटा डोमिनेट करते हैं एंटायर नॉर्दर्न महाराष्ट्र को, ये एंगेज रहते हैं बार बार प्रतिहारा के साथ में गुजरात को ओवरलैप करने के लिए, मालवा को हथियाने के लिए, इनकी बार बार रेड्स होती हैं जो राष्ट्रकूटा के एम्पायर को एक्सटेंड करती है गंगा वैली तक, वहाँ पे ये रिच प्लंडर करते हैं, वहाँ से सोना लूट के अपने वापस नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में ले आते हैं और अपनी आराम से जिंदगी करते हैं, बस अगली बार लूटा है, अब साल भर आराम से बैठ जाते हैं, अच्छे खाते पीते हैं, फिर चलेंगे अगले साल। राष्ट्रकूटा आल्सो फोर्ट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्य, अभी वो उनकी अब लड़ाइयां राष्ट्रकूटा की चालुक्यों के साथ में, जिसके ऊपर अभी मूवी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वैसे भी हिस्ट्री के बारे में जानना है फ्रेंड्स, कि आप कोई भी एक जो हिस्टोरिकल मूवीज है वो देख सकते हैं, चाहे इंडिया की देख सकते हैं या अदर कंट्रीज की देख सकते हैं, जैसे चाइना की हिस्टोरिकल मूवीज काफी अच्छी हैं, उनकी सीरीज काफी अच्छी है, तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे सोसाइटी उस टाइम पे होती थी, कैसे राजा राज कर रहे थे। लाइक जोधा अकबर इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। सो तो आप कोई भी, मतलब यहाँ पे जो चाइनाज की भी है वो काफी अच्छी सीरीज है, उनकी जो शुंग रूलर्स हैं तो वो उनके ऊपर भी काफी अच्छी उनकी मूवीज हैं, तो आप देख सकते हैं उनको, जो आपको पता चलेगा कि वहां पे कैसे उस टाइम पे चल रहा था राज्य, इधर हमारे कैसे राज्य चल रहा था, कैसे क्लैशेज हो रहे थे, तो वो चीजें आप देख सकते हैं, एक पिक्चर एक डेवलप हो जाती है व्हेन यू आर स्टडिंग हिस्ट्री। सो नहीं भी देखें तो दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगी आपको। चालुक्य ऑफ वेंगी, अब यहाँ पे राष्ट्रकूटा की लड़ाई चल रही थी चालुक्य ऑफ वेंगी के साथ में, जो आंध्र प्रदेश वाला मॉडर्न आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, और साउथ में पल्लवास ऑफ कांची के साथ में उनकी लड़ाई चल रही थी, और पांड्याज ऑफ मदुरई, तो ये याद रखना, पांड्याज हैं मदुरई के, पल्लवास हैं कांची के और चालुक्याज हैं वेंगी के, ठीक है। इनके साथ भी राष्ट्रकूटा की लड़ाइयां चल रही थी, ऊपर भी जाते थे लड़ने के लिए और नीचे भी लड़ाइयां चल रही थी, ठीक है, नॉर्थ में भी साउथ में भी। Probably the greater राष्ट्रकूटा रूलर was गोविंदा थ्री, सबसे बड़े ग्रेट रूलर माने जाते हैं गोविंदा थ्री और अमोघ वर्षा। अब इनका टाइम पीरियड याद रखना है 792 to 815, अमोघ वर्षा उसके बाद में आता है 814 to 878, इनका काफी लंबा रूल चल रहा है। एक सक्सेसफुल एक्सपीडिशन करते हैं ये अगेंस्ट द नागभट्टा ऑफ कन्नौज एंड एनेक्स कर लेते हैं मालवा को। गोविंदा थ्री टर्न करते हैं वापिस साउथ में। We are told an inscription that Govinda ने terrified कर दिया था पूरे केरला को, पूरा यहाँ पे डरा के रख दिया था, पांड्या चोला किंग सब इनसे डरते थे, पल्लवास को तो पूरा इतर बितर ही कर दिया था इन्होंने। गंगा जो थे कर्नाटका की, अब ये गंगा डायनेस्टी ही आती है कर्नाटका की, सॉरी अब जो गंगा आती है दो पहाड़ आते हैं इसके, ईस्टर्न गंगा एंड वेस्टर्न गंगा। ईस्टर्न गंगा में आते हैं कलिंगा और उड़ीसा और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश वाला रीजन, और जो वेस्टर्न गंगा आता है वो साउथ आंध्र प्रदेश वाला रीजन आता है। तो यहाँ पे जैसे हम अगर बात करें कि ये कब से थे, ये अभी से नहीं थे गंगा डायनेस्टी, पहले से ही थी। जैसे कि जब समुद्रगुप्त ने कॉन्क्वेस्ट किया था यहाँ पे डेक्कन में, तो पल्लवा जो एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे नेटिव क्लैंस, जब बड़ा हट जाता है तो छोटे छोटे प्रधान बन जाते हैं, तो छोटे नेटिव क्लैंस यहाँ पे बने थे, उन्हीं में से एक छोटा क्लैन था गंगा डायनेस्टी का। इन्होंने अच्छा खासा अपना सोवरियन रूल चला था, इनका एक तरफा रूल चला था 350 से 550 CE तक, पर उसके बाद में
उसके बाद में ये ओवरलॉर्डशिप बन गए थे, चालुक्यों की ओवरलॉर्डशिप मान ली थी हमारे, ठीक है आप राजा चालुक्य है। उसके बाद में ये राष्ट्रकूटा की ओवरलॉर्डशिप इन्होंने मानी थी, उसके बाद में चोला की ये ओवरलॉर्डशिप इन्होंने मानी थी, और उसके बाद में पूरा ये एंड ही हो गया था इनका उसके बाद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यही वो गंगा थे कर्नाटका वाले रीजन से, जो यहाँ पे अपने मतलब इनको जब हराया गया तो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे एंड बाउंड डाउन विद द फैदर्स एंड मेट विद द डेथ, और बाद में पूरी इनकी डेथ ही हुई थी। द किंग ऑफ लंका, लंका और उनके किंग, लंका के जो राजा और वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे वो भी उनको कुछ अपने इंटरेस्ट के बारे में नेग्लिजेंट था, बाद में ही इनको कैप्चर कर लिया गया, हरा दिया गया, और इनके जो लंका के किंग के जो दो स्टैचूज थे वो उठा के यहाँ पे वो अपने कैपिटल में ले आए थे मान्या खेत में, और शिव के टेंपल के बाहर वहां पे लगा दिए थे। तो मतलब वहां पे उनको भी इन्होंने साउथ तक भी पूरे गए थे कि लंका के रूलर तक को यहाँ पे इन्होंने हरा दिया था। अमोघ वर्ष का मतलब पूरा साउथ इंडिया देख सकते हैं कि हम कवर कर दिया होगा इन्होंने। अमोघ वर्ष ने रूल किया 64 इयर्स तक, बट बाय द टेम्पेरामेंट ही प्रेफर टू परस्यू द, मतलब यहाँ पे ये बहुत एबल रूरल रूलर थे, रिलीजन को लिटरेचर को ये बढ़ावा देते थे, साथ साथ वार भी इन्होंने करी। ही वाज हिमसेल्फ, वो खुद भी एक ऑथर थे जिन्होंने कन्नड़ा बुक ऑन पोएटिक्स लिखी है, कन्नड़ा बुक ऑन पोएटिक्स जिन्होंने राइट की थी। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर भी थे, उन्होंने बहुत सारी अपनी कैपिटल मान्या खेत में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी अपनी सिटी को पूरा, वो जैसे इंद्रपुरी इंद्रपुरी बनाया, इंद्र की सिटी जैसा ये इनको फ्लरिश करते थे, एक्सेल करा था इन्होंने अपनी कैपिटल का। देर बार बहुत सारी रेबेलियंस हो रही थी फार फ्लंग एरिया में राष्ट्रकूटा के एम्पायर में अंडर द अमोघ वर्षा, रेबेलियन चल रही थी। दिस कुड बी बेली कंटेन एंड बिकेन अ फ्रेश आफ्टर हिज डेथ, अब वो पहले धीरे धीरे कंटेन करी इन्होंने, पर बाद में जब इनकी डेथ हो गई तो वो सारे लोग दोबारा उठ गए थे। उनके ग्रैंड सन थे, द नेम इज इंद्र थ्री, उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया 915 to 927। उनकी डिफीट के बाद में आफ्टर द डिफीट ऑफ महीपाला एंड सैक ऑफ कन्नौज इन 950, अभी जब जैसे महीपाला पाला या फिर महीपाला जी हटते हैं तो देन इंद्रा थ्री वॉज अ मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज टाइम, उसके बाद में इंद्रा थ्री मोस्ट पावरफुल रूलर बनते हैं। अब यहाँ पे इनके टाइम में क्या आया था, अल मसूदी जी यहाँ पे आए और उन्होंने विजिट किया इंडिया को इस टाइम पे। तो राष्ट्रकूटा जो किंग थे वल्लभाचार्य, वल्लभा राजा उस टाइम पे ग्रेटेस्ट किंग थे इंडिया के, मोस्ट ऑफ द इंडिया को रूल कर रहे थे और कई जगहों को रूल कर रहे थे, कई जगहों पे उन्होंने उनकी सुजरेनिटी मान रखी थी रूलर्स ने, और ही पोजेस्ड लार्ज आर्मीज एंड इनरेबल एलिफेंट्स, उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे एलिफेंट थे इनकी आर्मी के, बहुत बड़ी आर्मी थी इन्होंने इनकी। कृष्णा थ्री वॉज द लास्ट इन अ लाइन ऑफ द ब्रिलियंट रन, अब कृष्णा थ्री के बाद में इतना बढ़िया कोई रूलर हुआ नहीं था इनके राष्ट्रकूटा में, कृष्णा थ्री लास्ट एबल रूलर थे। वो भी इनकी भी स्ट्रगल चल रही थी परमाराज ऑफ मालवा के साथ में या ईस्टर्न चालुक्यज ऑफ विंगी के साथ में, वो अपना एक कंपेन लॉन्च करते हैं अगेंस्ट चोला रूलर ऑफ कन्नौज और हु हैड सप्लांटेड द पलवाज ऑफ कांची, जिनको यहाँ पे मदद की पलवाज ऑफ कांची, एंड कृष्णा थ्री डिफीट करते हैं चोला किंग को प्रंतिका वन, चोला किंग प्रंतिका वन को हराते हैं और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चोला एम्पायर को हथिया लेते हैं। ही देन प्रेस डाउन टू द रमेश्वर और रमेश्वर तक जाते हैं और वहाँ पे अपना सेटल करते हैं, पिल्लर ऑफ विक्ट्री सेटल करते हैं वहाँ पे और टेम्पल बनाते हैं वहाँ पे, जो देखते हैं अभी रामेश्वर टेम्पल में। आफ्टर उनकी डेथ के बाद में उनके जो सारे अपोनेंट्स थे वो सारे यूनाइट हो जाते हैं और राष्ट्रकूटा की जो कैपिटल है मालखेड़ उसको पूरा तहस नहस कर देते हैं, लूटपाट मचा देते हैं, उसको पूरा खत्म ही कर देते हैं, और जिसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्रकूटा एम्पायर 927 के बाद में पूरा खत्म ही हो जाता है। राष्ट्रकूटा का जो रूल रहा है डेक्कन के अंदर वॉज ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया, टिल द एंड ऑफ 7th सेंचुरी। राष्ट्रकूटा रूलर्स जो है वो काफ़ी टॉलरेंट थे रिलीजियस व्यूज के अंदर और पैटर्नाइज ना उन्होंने सिर्फ शैविज्म को, वैष्णिज्म को, पर जैनिज्म को भी उन्होंने पैटर्नाइज किया था। फेमस रोक का टेंपल शिवा एट एलोरा वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थ्रू, अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि रोक का टेंपल ऑफ शिवा एट एलोरा के अंदर किसने बनाया था, कृष्णा वन ने, इन कौन सी सेंचुरी, 9th सेंचुरी। उनके जो सक्सेसर थे अमोघ वर्ष में, हु वॉज जैन, अमोघ वर्ष क्या थे, वो जैन थे और वो क्या थे, शैविज्म, ठीक है, कृष्णावन शैविज्म और ये थे जैनिज्म। अमोघ वर्ष ने जैन थे, उन्होंने पैट्रोनाइज किया था और भी अदर फेथ्स को। राष्ट्रकूटा अलाउड मुस्लिम, उन्होंने राष्ट्रकूटा ने मुस्लिम्स को भी अलाउड किया कि तुम भी भैया आओ अपनी प्रेयर करो, मॉस्क बनाओ, कुछ भी करो, आपको सब अलाउड है। ये जो टॉलरेंट पॉलिसी हम देखते हैं तो देखते हैं कि तभी उसी के कारण उनका जो फॉरेन ट्रेड था काफ़ी फ्लरिश हुआ था।
राष्ट्रकूटा पैटर्न्स थे आर्ट और लिटरेचर के भी. उनकी कोर्ट में हम देखते हैं बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स आए थे, पोइट्स आए थे. उन्होंने सिर्फ संस्कृत में ही नहीं लिखा बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषा, मतलब जो अभी जो जर्नलाइज जो अदर जो भाषा आते हैं, जो मतलब भाषा का एक करप्ट रूल था जो संस्कृत का, उनमें उन्होंने लिखा था. ग्रेट अपभ्रंश पॉइंट जो थे शेम्भू, जो सन एंड हिज सन प्रोबेबली लिव्ड इन राष्ट्रकूटा के कोर्ट में वो रहते थे, जो अपभ्रंश पोइट थे. नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब इनके पॉलिटिकल आइडियाज और ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं जो इन एम्पायर्स में, वो जैसे गुप्ता और हर्षा के एम्पायर में चल रहा था वो वैसा ही था, बस थोड़ा बहुत कुछ चेंज था, उसके बारे में स्टडी करते हैं. जैसे कि माना गया एज बिफोर, जो मोनार्क जो राजा है वो सेंटर है, सभी अफेयर्स का सेंटर है, चाहे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है या लॉ से रिलेटेड है, वो सबका जो सेंटर है वो राजा है. वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और कमांडर इन चीफ भी है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड है और पूरे सारे सेनाओं का भी चीफ है. ये एक मैग्निफिशेंट दरबार लगा के बैठता है जिसके सामने सारे कोई इन्फेंट्री कैवेलरी और उसके सामने वार एलिफेंट्स की परेड हो रही है, हॉर्सेस की परेड हो रही है, राजा आ रहा है तख्त पे आसीन हो रहा है, सारे मिलिट्री हाथ मिलिट्री कमांडर्स या सारे जो मिनिस्टर्स जो हैं हाथ बांध के खड़े हुए हैं वहाँ पे. वो रॉयल जो भी बाहर से कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा या कोई मैनेजर कोई बाहर कोई दूसरी एम्बेसी से भी बंदा आता है उसको वहाँ पे मिलता जुलता है, और सारे वसल चीफ्स भी उनके साथ में भी मिलता है, फ्यूडेटरी से भी वो मिल रहा होता है तो उनके साथ में अपने दरबार लगा रहा होता है. एम्बेसडर्स आते हैं उनकी कोर्ट पोइट में, कोर्ट में द किंग वाज आल्सो डिस्पेंस जस्टिस कोर्ट में, वहाँ पे राजा न्याय भी करता है. और ही वाज नॉट ओनली सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, वो पॉलिटिकल अफेयर्स का सेंटर नहीं होता बट वहाँ पे न्याय भी किया जाता है, कल्चरल लाइफ को भी बढ़ावा दिया जाता है. राजा के दरबार में अच्छे खासे डांस भी होते हैं, स्किल्ड म्यूजिशियंस भी वहाँ पे अपना दरबार में प्रस्तुति देते हैं, गायन कला का भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं. एंड वुमेन्स ऑफ अ किंग हाउस होल्ड वो यहाँ पे अटेंड करते हैं दरबार को. फेस्टिवेकेशन में कभी कोई फेस्टिवल होता है तो रानियाँ भी आती हैं. राष्ट्रकूटा एम्पायर के बारे में लिखा गया है अरब राइटर में कि वो पर्दा प्रथा भी वहाँ पे नहीं थी. राष्ट्रकूटा एम्पायर में कोई पर्दा नहीं पहनना होता था लेडीज़ को. द किंग्स पोजिशंस वहाँ पे हेरिडिटरी होती थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट ये नहीं बताया जाता था कि भाई राजा का बड़ा बेटा बनेगा कि छोटा बेटा बनेगा. कि कई चीज़ें जगहों पे हमने देखा है कि छोटे बेटे ने भी बड़े बेटे को हटा के वो रूल करा, तो ये कोई रूल नहीं था कि कौन बनेगा. यहाँ पे वार्स वर फ्रीक्वेंट बिटवीन, राजाओं की आपस में लड़ाइयाँ फ्रीक्वेंट थी, किंग्स के साथ में भी होती थी और ये फ्यूडल रोड्स के साथ में भी लड़ाइयाँ हो रही थी. किंग्स यहाँ पे मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर को, उनकी आर्मीज एक्सटेंड करती थी अपने एरिया को. वसल रूलर और जो एटोनोमस जो भी चीफ थे वो अपने एरिया तक ही लिमिट रहते थे, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया की देखते थे पर राजा को वो प्रॉपरली टैक्स भेजते थे, राजा को आर्मी भेजते थे. किंग्स को किंग्स बड़े बड़े यहाँ पे टाइटल लेता था, महाराजा धीराज परम भतरका चक्रवर्तीन सम्राट, वो ये बड़े बड़े टाइटल्स राजा को दिए जाते थे. यहाँ पे लिखा गया है एज अ कंटेम्प्रेरी राइटर मेद हतीती ने लिखा गया है कि जो राजा था थिंक्स दैट इट वाज अ राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बियर हिज आर्म इन ऑर्डर टू डिफेंड. अब यहाँ पे लोगों के पास में राइट होती थी कि वो अपने पास में आर्म्स एंड एमिनेशन रख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे भी उनका कहीं पे वध हो जाए तो वो अपने पास में आर्म रख सकते हैं, ये उनके पास में राइट होती थी. उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ पे अगर ये लोग जो है वो मतलब उनके पास में राइट होता था टू अपोज एन अनजस्ट किंग, कोई अनजस्ट किंग को राजा कोई योग्य नहीं है, योग्य राजा नहीं है तो उसको हटाने का भी उनके पास में राइट होता था. पर हमने देखा नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पे पढ़ा नहीं है कि किस राजा को ऐसे हटाया गया था, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा कि ये राइट होता था. दस की एक्सट्रीम व्यू देखें कि रॉयल राइट्स एंड प्रिविलेजेस पुट फॉरवर्ड मेनली बाय द पुराना से इनके जो राइट आए हैं वो राइट्स आए हैं लोगों के पास में. वॉज नॉट एक्सेप्टेड, सभी थिंकर्स ने तो नहीं माना है पर मेधादिति ने ये कहना था कि वो उनके पास में राइट पुराना से आया. रूल्स अबाउट सक्सेशन यहाँ पे शोने जो मैंने आपको बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा बेटा छोटा बेटा भी यहाँ पे रूल करता था. जैसे कि राष्ट्रकूटा ध्रुवा और गोविंदा फोर, इन्होंने डिपोज करके हटा दिया था अपने एल्डर ब्रदर को और खुद यहाँ पे रूल किया था. ठीक है, पर ज़्यादातर युवराज जो था वो बड़ा बेटा और वो युवराज सक्सीड करता था.
कई बार राजा खुद ही नाम बता देता था कि भैया मेरा छोटे वाला ज्यादा एबल है, इसी को युवराज घोषित किया जाएगा, तो वो भी ऐसा भी हो जाता था। युवराज यहाँ पे रहता था कैपिटल के अंदर, अपनी राजधानी में रहता था, और बाकी जो उसके भाई हैं उनको अलग अलग प्रोविंसेस दे दिए जाते थे, वो वहाँ पे चले जाते थे और वहाँ पे रूल करते थे। प्रिंसेस जो रानियाँ हैं, वो उनको नहीं मान देखा है कि हमने, वो रेयरली ही अपॉइंट होती थी कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे। सिर्फ एक ही यहाँ पे इंस्टेंस मिला है, राष्ट्रकूटा प्रिंसेस चंद्रोबल्लभे जो डॉटर थी मोगवश वन की, जिन्होंने एडमिनिस्टर किया था रायचूर दोआब रीजन को कुछ समय के लिए। बाकी नहीं होता था कि कोई राजा की बेटियां जो है वो कहीं जाके रूल कर रही है। किंग्स वर जनरली एडवाइज बाय नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, किंग्स को एडवाइज करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर पुरोहित सब होते थे, मिनिस्टर्स होते थे जो राजा द्वारा ही चुने जाते थे, और वो लीडिंग फैमिली को, लीडिंग फैमिली से ही होते थे। उनकी पोजिशन हेरिडिटरी होती थी। पाला किंग के अंदर हम देखते हैं कि ब्राह्मण फैमिली से ही बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स आते थे जो धर्मपाला के और उसके सक्सेसर्स आगे हम देखते हैं। इन सच केसेस मिनिस्टर्स कुड बिकम ए वेरी, फिर देखते हैं कि अब जब हेरिडिटरी पोजीशन जब उनकी बना दी गई तो मिनिस्टर्स वो जो थे बहुत सारे पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते थे जो उनके द्वारा देखे जाते थे। अगर हम देखें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते थे, तो देयर वॉज अ मिनिस्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो फॉरन अफेयर्स को देख रहा है, रेवेन्यू मिनिस्टर होता था, ट्रेजर खजाने का मिनिस्टर होता था, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स मतलब सेना नायक सेनापति होता था, चीफ जस्टिस होता था जो न्याय को देखता था, एंड पुरोहिता होते थे। ये सारे मिनिस्टर्स होते थे बड़े बड़े, कई बार एक के द्वारा एक दो पोस्ट भी देखी जा रही होती थी। और यहाँ पे जो लीडिंग मिनिस्टर था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर प्ले करता था। सभी मिनिस्टर्स पुरोहित के अलावा जो बाकी सारे मिनिस्टर थे उनको लड़ाइयाँ लड़ने के लिए बाहर कंपेन करने के लिए जाना पड़ता था। पर जो हम देखते हैं कि राजमहल के अंदर या कैपिटल सीट के अंदर जो भी लोग मिनिस्टर्स रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा पावर उनके पास में होती थी, बाहर जो जाते थे उनकी पावर वैसे थोड़ी कम हो जाती थी। जो आर्म्ड फोर्सेस थी वर इम्पॉर्टेंट थी, मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ज़रूरी होती थी कि मेंटेन करना, एक्सपेंड करने के लिए एम्पायर के लिए। तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो भी लोग काम करते थे उनकी पोजीशंस भी मोस्टली हेरिडिटरी होती थी। और देखते हैं कि पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटर में उनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक इन्फेंट्री और कैवेलरी थी, और उनके अंदर बहुत सारे वार एलिफेंट्स भी थे। एलिफेंट्स होना मतलब कि बहुत सारा पैसा होना, और वो स्ट्रेंथ का एक एलिमेंट था कि भाई उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, या बहुत एडवांस्ड डायनेस्टी है कि उसके पास में इतने एलिफेंट्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स मेंटेन किए जाते थे पाला किंग के द्वारा। बहुत सारे हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था, राष्ट्रकूट और प्रतिहारा किंग ने बहुत सारे हॉर्सेस इंपोर्ट किए थे अरेबिया और वेस्ट एशिया वाले कंट्रीज से। प्रतिहारा किंग बिलीव करते थे कि हमारे पास में फाइनेस्ट कैवेलरी हॉर्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा रेफरेंस नहीं दिया जाता कि रथों के ऊपर चढ़ के जो लड़ाई होती है ना, पहले रथ के ऊपर एक योद्धा बैठता था और वो तीर कमान से लड़ाई, उसकी नहीं देखी जाती। डायरेक्ट हॉर्सेस के ऊपर बैठते थे और तीर कमान से लड़ाई कर रहे थे, तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सम ऑफ द किंग्स यहाँ पे देखा है कि राष्ट्रकूटा के, उनके पास में बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स थे, जिनको बहुत बड़े बड़े इन्होंने फोर्ट बनाए, महल बनाए, जिनको यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रूप्स उनको गैरिसन कर रही है, मतलब उसका सुरक्षा कर रही हैं। और फिर जब कई बार फोर्ट को हरा दिया जाना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि हमने उस फोर्ट को जीत लिया है। और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कमांडर्स थे। द इन्फेंट्री कंसिडर रेगुलर एंड इरेगुलर ट्रूप्स, इन्फेंट्री में कई बार रेगुलर इरेगुलर ट्रूप्स थी, और लेवीज बाय द वसल किंग्स। अभी इन्फेंट्री किससे कंसिस्ट होती थी, एक तो रेगुलर ट्रूप्स कि इतनी हमारे पास इतने ट्रूप्स हैं, इतने सारे सैनिक हैं, और इरेगुलर ट्रूप्स कौन देता था, मतलब कि इरेगुलर 100-200 ये कहाँ से आएंगे, जो वसल चीफ होंगे उनको राजा को कुछ ना कुछ इतने देने, ये इरेगुलर हो गए, मतलब इतने तो है ही हैं, इसके साथ में जब जरूरत पड़ेगी राजा को कहीं पर युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है और उनके पास में कम पड़ गए सैनिक, तो वसल चीफ जो वहाँ का होगा वो भी कुछ सैनिक देगा किसको, राजा को। ये जो रेगुलर ट्रूप्स जो होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। और ये कहाँ कहाँ से, कौन कौन से रीजन से ये सैनिक आते थे, मालवा, असम, साउथ गुजरात, कर्नाटका वाले रीजन से ये जो थे सैनिक आते थे। पाला किंग्स पर हैव्स राष्ट्रकूटा हैड देयर ओन नेवीज, पाला किंग जो राष्ट्रकूटा थे उनके पास में अपनी नेवीज भी थी। ये कम बहुत देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रकूटा ने बहुत समय तक गुजरात पे राज किया, तो इनकी खुद की नेवी भी थी, नेवी नेवल फोर्सेस भी इनकी थी। द एम्पायर्स कंसिस्टेड ऑफ द एरिया एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टली। अब एम्पायर जो है
वो उनके पास में कुछ ऐसा एरिया था जो वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते थे, और कुछ जो एरिया था जो वो वसल स्टीव के, मतलब ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ना, इंडिया एंड द वर्ल्ड के अंदर की फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल सिस्टम आ गया था, तो वो इंडिया के अंदर है जो ने वसल चीफ्स बोलते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो लेटर मतलब जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे वो ऑटोनोमस होते थे, वो अपने इंटरनल अफेयर्स अपने एरिया के खुद देख रहे हैं, खुद सब कुछ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ, कुछ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू राजा को देते थे बट बाकी वो अपना यूज कर सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर वही देखते हैं बस। उनके पास में एक ऑब्लिगेशन होता था कि राजा की लॉयल्टी मानेंगे, एक फिक्स ट्रिब्यूट राजा को देंगे और एक फिक्स्ड सैनिक राजा को देंगे, बस ये काम आपको करना है, बस बाकी आप अपने जगह के राजा हो। समटाइम्स जो सन अब होता ये था कि राजा को भी देखना है कि भैया ये वाला फ्यूडल जो है, ये जो जो वसल चीफ है क्या बढ़िया है या नहीं है, तो वो उसको एक ऑब्लिगेशन ये भी होती थी कि भी तुम अपने खुद खुद आओ या अपने बेटे को भेजो यहाँ पे, जहाँ पे भी कोई रेबेलियन हो रही है उसको रोकने के लिए, या फिर तुम मेरे दरबार के अंदर आना है, तुम्हें हाजिरी देनी है वहाँ पे, कोई भी स्पेशल अगर ओकेजन है तो तुम्हें आना है, या फिर कई बार वो बोल देता कि तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करा दो ताकि तुम फिर कभी रेबेलियन नहीं करोगे तो तुम मेरे तरफ लॉयल हो जाओगे, तो ये भी होता था। बट वसल चीफ्स जो होते ऑलवेज ज्यादातर इंडिपेंडेंट ही थे, और इनकी कमी वार देखने को मिलती है कि राजा के साथ वार, क्योंकि उनको अपना सब कुछ दिया हुआ है कि वो फालतू में वो लड़ाई करेंगे। दस द राष्ट्रकूटा हैड टू फाइट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द वसल। अब कई बार यहाँ पे वो वसल चीफ से लड़ाई इस वजह से, कई बार बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गए, कई बार वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, कई बार वो अपने आप की सुपीरियरिटी ज्यादा मान रहे हैं, ट्रूप्स प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो फिर और फिर सोच रहे हैं कि अब हमें क्या जरूरत है राजा की, तो फिर यहाँ पे उनके आपस में क्लैशेस देखे गए राष्ट्रकूटा की वसल चीफ के साथ में कर्नाटका में, और फाइट भी देखी गई है परमारा परमारा ऑफ मालवा एंड चंदेलाज ऑफ बुधे एंड हैड अ फाइट टू अगेंस्ट। ये परमारा अब राष्ट्रकूटा वसल किंग के साथ में भी लड़ रहे थे, परमार के साथ में भी लड़ रहे थे, और चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड के साथ में भी लड़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक तो टेरिटरीज वो होगी जो राजा राजा के अंडर में डायरेक्ट है, और फिर एक टेरिटरी वो होगी जो वसल रूलर जिसको रूल कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम अगर इनको डिवाइड करें पाला और प्रतिहारा के केस में, तो जो टेरिटरीज थी वो कैसे थी कि सबसे सुप्रीम इज राजा। अब ये इन द केस ऑफ पाला प्रतिहारा है, दूसरे केस में राष्ट्रकूटा के केस में अलग होगा। पाला प्रतिहारा के केस में राजा है, राजा के नीचे डिफरेंट प्रोविंस है जिन्हें बोला जाता था भुक्ति। राजा के नीचे डिफरेंट प्रोविंस, अब तीन चार प्रोविंस जो भी आगे, जिन्हें बोला जाता था भुक्ति। फिर इनके नीचे, भुक्ति के नीचे आते हैं मंडल्स या विश्यास, जिन्हें मंडल बोला जाता था या विश्यास बोला जाता था, ये आता है। उसके नीचे एक और आता है, ये भुक्ति इसके अंदर जैसे बहुत सारे मंडल या बहुत सारे विश्यास होंगे, इनके नीचे आते हैं पट्टल। पट्टल पट्टल ये होते थे छोटे छोटे विलेजेस, ठीक है, पट्टल क्या होते थे, छोटे छोटे विलेजेस। तो राजा एक तो वो हो रहा एरिया हो गया कि राजा डायरेक्टली जो रूल करता है वो प्रोविंसेस हो गए, प्रोविंसेस के नीचे आगे मंडल्स एंड विश्यास, और विश्यास के नीचे आगे छोटे छोटे पट्टल या छोटे छोटे गांव। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, राजा की बहन का विवाह हुआ पास के पट्टल में, ठीक है, पास के पट्टल में, राजा आर बी वी एंड पी, राजा की बहन का विवाह हुआ पास के पट्टल में, ठीक है। तो पास के पट्टल में मतलब पास के गांव में, पट्टल इज मीन्स फॉर गांव। अब कैसे भी याद कर सकते हैं, इट्स अ टाइम ऑफ कि मतलब आपको याद करना है, कैसे भी आरबीएम आपको याद करना है, आर बी वी एंड पी। अभी इसको एम या वी दोनों सेम ही है, मंडल या विशा दोनों बोला जाता है। अब ये जो बी है, राजा के अंडर जो डिफरेंट भुक्तीज है, ये प्रोविंसेस मतलब अभी के आप मान सकते हैं इसको कि जैसे हमारा पूरा कंट्री हो गया, जो डिफरेंट स्टेट्स है, स्टेट्स को मान लीजिए यहाँ पे भुक्तीज, और जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हो गए मंडल और विशास, और उसके अंदर डिफरेंट विलेजेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टेट का सीएम हो गया, तो ये इन भुक्तीस का जो जो यहाँ पे हेड हो गया उसको बोलते थे उपारिका। जैसे अभी हमारा सीएम हो गया उसको बोलते थे उस टाइम पे उपारिका। और विषय और मंडल के जो हेड होते थे, जो अभी हमारे उनके पार्षद वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे जो वो होते थे वो विषयपति, ठीक है। और पट्टल जो होते थे वहां पे छोटे छोटे सामंत आ जाते थे, जो छोटे छोटे विलेजेस को रूल करते थे, ठीक है, याद हो गया।
यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, विषय का विषयपति, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। और अब जो अब यहाँ पे भुक्तीस के अंडर जो एरिया आएगा या उपारिका के अंडर जो एरिया आएगा, वहाँ का लैंड ऑर्डर, जो रेवेन्यू है वो सब कुछ उपारिका ही देखेगा। अब यहाँ का जो प्रोविंसेस का जो आएगा वो विषयपति देखेगा और यहाँ का सामंती देखेगा, ठीक है। ये अपने जुरिस्डिक्शन में, जैसे अभी हमारे CM और डिस्ट्रिक्ट के जो पार्षद है वो अपना अपना जो कार्य करते हैं वैसे ही वो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पाला प्रतिहारा में, यहाँ पे ये थोड़ा सा बदल जाता है, होता यही है, बस इनके नाम बदल जाते हैं, होता यही चीज है। अब राजा हो गया, राजा हुआ, राजा के नीचे जो आते हैं यहाँ पे राष्ट्र, प्रोविंशियस को नाम दिया राष्ट्र, राजा के नीचे राष्ट्र आएंगे, ठीक है। राजा के नीचे आते थे राष्ट्र, ये भी प्रोविंस होते थे, ठीक है, ये भी प्रोविंस हो गए। अब इसके नीचे आते थे राष्ट्र के बाद में राष्ट्र का हेड हो गया राष्ट्रपति, ठीक है। उसके नीचे आते थे विषय, यहाँ पे नाम बदल गया, यहाँ पे इसके राष्ट्र के नीचे आगे विषय, जो विषय का यहाँ पे विषय का हेड विषयपति, और उसके नीचे आते थे भुक्तीस, विषय के नीचे आ गया लास्ट, यहाँ पे इनको इन्होंने बोल दिया भुक्ति लास्ट, ये भुक्तीस मालस रीजन आ गया, इसको भुक्ति। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि राजा रहेगा विवाह बिना, राजा रहेगा विवाह बिना, जो भी यार मैंने बनाया जैसे छोटा मोटा जितना मेरा दिमाग लगा, इतना ज़्यादा मैंने इस पर नहीं ध्यान दिया कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, बट हाँ थोड़ा सा याद करने की RRVB राजा, राजा के अंडर रहे राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे आएंगे विषय और विषय के नीचे आएंगे भुक्ति। अब यहाँ पे भी राष्ट्र का जो हो गया राष्ट्रपति, विषयपति, और यहाँ पे भुक्ति, भुक्ति के अंडर जो होगा विषय, विषय वाज लाइक अ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट और भुक्ति वाज स्मॉलर, उससे छोटी जो यूनिट है, तो ये वैसे ही उनको जो रूल करने होंगे वो एक स्मॉलर उतने एरिया के अंदर उनका लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू देखेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, ये इनका एक जो स्ट्रक्चर था जो स्टडी किया हमने। अब राष्ट्रपति और जो गवर्नर होते थे वो सेम ही उनका स्टेटस होता था जैसे वसल किंग का, मतलब जब वो अपने एरिया का पूरा लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं तो वो वसल किंग की तरह ही वो स्टेटस अपने आप को उनका बन जाता था। उनकी टेरिटरीज में जो विलेजेस थे, अब जो विलेजेस जो है, अब ये छोटे छोटे भुक्तीज या जो छोटे छोटे विलेजेस हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था वो विलेज हेडमैन के द्वारा देखा जाता था और एक विलेज अकाउंटेंट, दो जो यहाँ पे पोस्ट होती थी विलेज हेडमैन और विलेज अकाउंटेंट के द्वारा ये देखा जाता था। इनकी पोस्ट हमेशा हेरिडिटरी रहती थी और इनको पैसा कहाँ से मिलता था, इनको ग्रांट्स रेंट फ्री लैंड मिल जाता था जिनसे इनको पैसा मिलता था और वो गाँव की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ठीक है। अब ये जो हेड होते थे, हेडमैन जो होते थे उनकी हेल्प कौन करता था, विलेज हेडमैन की हेल्प, मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते थे गांव के वो उनकी हेल्प करते थे। और यहाँ पे ग्राम महासभा, जो भी अभी ग्राम महासभा जिसे हम बोलते थे, वहाँ पे भी थी ग्राम महाजना या ग्राम महामत्रा, ये जो थी बनी हुई थी इन्हीं के अंडर, ये एक कुछ एक कमेटी भी बनी हुई थी गांव के अंदर, विलेज कमेटी, जिसमें से कि लोकल स्कूल को कैसे मैनेज करना है, टैंक्स बनवाने हैं, टेम्पल्स बनवाने, रोड्स बनवाने, तो ये भी छोटी छोटी कमेटीज इनके लिए बनी हुई थी जिनको यहाँ पे जो किनके थ्रू बनी हुई थी, विलेज एल्डर्स की। यहाँ पे ये पैसे को रिसीव करना, प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी लेना, ये सब इनके लिए इन कमेटीज को पैसा दिया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे रेंट फ्री लैंड मिले तो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। छोटे छोटे डिस्प्यूट्स भी कई बार चलते रहती थी कमेटीज के अंदर। अब शहरों में क्या होगा, शहरों में भी कमेटीज होती थी जिनके हेड क्या होते थे, ट्रेड गिल्ड, जो बड़े बड़े ट्रेड मर्चेंट्स होते हैं उनके गिल्ड बने होते थे वो इनको करते थे। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टाउन्स के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी किसके पास में, कोटवाल के पास में। तो ये छोटे छोटे आपने बता दी मैंने आपको कमेटीज। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स इस टाइम के जो पीरियड का था वो था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावर में आ गए थे, जिन्हें बोला जाता था देशाग्रामुक्ता या नद गवंडास। ये बाद में अपनी फंक्शंस को डिस्चार्ज करते थे, जो अभी देशमुख और देशपांडे बाद में महाराष्ट्र में करते हैं वैसे ही ये कार्य करते थे। इनकी डेवलपमेंट देखते हैं कि बाद में विद द पेटी चीफ्टन्स ऑफ ए नॉर्थ इंडिया, ये इनका बढ़ना और छोटे छोटे चीफ्स का बढ़ना, मतलब कि जो लोग जो रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं वो जरूरी थोड़ी सारा का रेवेन्यू आके राजा को देंगे, वो कुछ अपने पास में रखेंगे और फिर वो इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो उनकी पावर बाद बाद में काफ़ी बढ़ती गई।
ऐसे ही यहाँ पे बढ़ती गई थी। एंड उसके बाद में देखते हैं कि उसके बाद में जो विलेज कमेटीज थी, इनके बढ़ने से विलेज कमेटी वीकर हो गई थी। सेंट्रल रूलर के लिए अब डिफिकल्ट हो गया था कि कैसे इनके अथॉरिटी को कंट्रोल किया जाए। और बाद में देखते हैं कि ये बढ़ावा देते हैं, पूरा फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे ग्रो हो गया था। अनदर पॉइंट जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्टेट और रिलीजन का आपस में क्या रिलेशन था। जो रूलर था काफ़ी मतलब लिबरल था सभी रिलीजन को लेके, जैसे कि शैविज्म भी मान रहा, विष्णुइज्म भी मान रहा, जैनिज्म भी मान रहा, बुद्धिज्म भी मान रहा, सभी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए वो विहार बना रहे हैं, कुछ पेट्रोनेज उनको दे रहे हैं, उनको कुछ गांव दे दिए जा रहे हैं उनके रिलीजन, उनको खर्चा पानी चलाने के लिए। मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, राष्ट्रकूटा रूलर्स के बीच में रह रहे हैं, तो मतलब सबके लिए ये था। राजा के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था जो लॉ बुक धर्मशास्त्र से, मतलब ये धर्म शास्त्र आपको मानना है, उसके थ्रू वो राजा कार्य करता था। बट ये नहीं था कि धर्म में ये नहीं लिखा कि दूसरे धर्मों को बढ़ावा ना दे, या फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट में दूसरों के लिए लिबरल ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये धर्मशास्त्र की नॉलेज राजा को कौन देता था? पुरोहित देता था। बट पुरोहित का ये काम नहीं था कि वो जो राजा के पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता था। बस उसकी धर्म की नॉलेज जरूर देता था, बट पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई वो इंटरफेयर नहीं करता था। पॉलिटिकल अफेयर्स राजा खुद ही देखता था अपना। जैसे राजा किसके थ्रू? धर्मशास्त्र के थ्रू कार्य करता है। अर्थशास्त्र मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स अर्थशास्त्र के थ्रू, और धर्म की नॉलेज उन्हें उनसे धर्मशास्त्र के थ्रू, बट पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई मतलब नहीं था। पर बाद में हम देखते हैं कि पुरोहित इतने डोमिनेंट हो जाते हैं कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में कि अपने ही धर्म को बढ़ावा देना, दूसरे धर्म को नहीं देना, उनको पैटर्नेज भी देना, दूसरे लोगों को मारना या उनको जगह से निकालना, तो उस चीज से हम देखते हैं कि बाद में सारे काफी क्लैशेज होते हैं। और एक धर्म जब प्रधान हो जाता है तो प्रधान हो जाता है तो दूसरे वीक हो जाता है, फिर अपने आप को वो मतलब एक अलग ही फील करते हैं। और जिसके हम देखते हैं बाद में रेनेसांस इन रिलीजन आया था, तो वो इसी केस में हुआ था जब एक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है। बस यहाँ पे राजा का एक कार्य होता था कि राजा ठीक है सब धर्मों को बढ़ावा दे रहा है, बट राजा क्या कर रहा था, वर्ण सिस्टम को जो है फोर वर्ण, जो स्टेट ऑफ फोर वर्ण है उसकी डिविजन जो है उनको मेंटेन करता है, उनकी डिवीजन मेंटेन रखता था। ऐसा नहीं था कि मतलब आपस में हम छोटे वर्ण के लोग बड़े कुछ उसकी तरह, और द ब्राह्मण सुप्रीम मींस वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण इज सुप्रीम ऑलवेज, ठीक है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये और उसके बाद में शूद्र, ये वर्ण सिस्टम रहेंगे और बस। अब और दूसरे इसमें आ सकते हैं बट आपने ये नहीं कि शूद्र से ब्राह्मण बन जाओगे। ये वर्ण सिस्टम जो डिवीजन थी वो यहाँ पे मेंटेन्ड थी। दूसरे धर्मों को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता था बट अपने धर्म के ये जो सिस्टम्स थे वो चल रहे थे। बाद में देखते हैं कि वो इतने ज़्यादा रिजिड हो गए थे वर्ण सिस्टम, अभी यहाँ पे लिबरल चल रहा है वर्ण सिस्टम, वहाँ पे इतना ज़्यादा रिजिड हो गया था कि जो शूद्रा और वैश्या था वो अपने आप को इन्फीरियर मानने लग गए थे, जिसके कारण फिर धर्म में रेनेसांस आया था। तो यहाँ पे दिया गया कि किंग्स आर वर नॉट डोमिनेटेड बाय द प्रीस्ट, और अपना उनका अलग चल रहा, पॉलिटिकल सिस्टम उनका अलग चल रहा है। मैनी ऑफ द रूलर्स देयर फॉर बिल्ड अ ग्रैंड टेम्पल्स, बट हाँ अपने आप को लेजिटमेट अगर बनाना है तो राजा क्या करता था, अपने धर्म को बढ़ावा तो देता ही था, क्योंकि अगर उसे लेजिटमेट रूलर बनना है तो अपने बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, लैंड ग्रांट्स दे रहा है टेम्पल्स बनाने के लिए ब्राह्मण्स के लिए। आज भी हम देखते हैं कि मोदी जी अगर किसी टेम्पल में चले जा रहे, मतलब कि वो लेजिटमेट ही दिखाते हैं कि मैं अपने धर्म के प्रति लॉयल हूँ, जैसे कि भी अयोध्या मंदिर, अयोध्या टेम्पल का उत्थान करना, तो ये चीज़ लेजिटमेट है कि लोगों को लगता है कि हाँ यार हमारे धर्म से ये रिलेट करता है या हमारे धर्म को बढ़ावा दे रहा है, तो लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये नहीं कि भाई दूसरे धर्मों का, भी ये नहीं कि मोदी जी दूसरे मुस्लिमों को कह रहे हैं कि निकाल दो, नहीं, दिस इज़ ऑल अबाउट कि मैं किसी इस पॉइंट पर नहीं लेके जा रही हूँ, किसी को भी मैं हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, बट ये होता है कि राजा जो होता है वो अपने जिस धर्म से वो बिलोंग करता है उन धर्म के लोगों को खुश करने के लिए उस टेम्पल्स बनवाता है या अपने धर्म को बढ़ावा देता है, पूजा अर्चना करता है, मंदिरों में जाता है, ये चीज़ें वो करता है ताकि लोग उसको प्यार दें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे चल रहा था कि दूसरों के लिए लिबरल था, तो दूसरों के लिए लिबरल रहना भी उतना ही ज़रूरी है जब अगर हम अपने अपने राष्ट्र में सभी का प्यार चाहते हैं या इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। This is all about the chapter. I think you will go through the chapter. आपको chapter समझ में आ गया होगा, clashes समझ में आ गए होंगी। Mainly आपको timing, time period याद रखना है, और उनकी उन्होंने जो advancement करी है, कोई बनाया है कुछ या नया कुछ, जैसे हमने अजंता लोरा वाला टॉपिक पढ़ा था, ये लोरा टेम्पल में शैव, लोरा में शैव टेम्पल बनाया है, नालंदा यूनिवर्सिटीज़, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़, अलमसूदी, ये जो भी छोटे छोटे पॉइंट है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे साउथ इंडिया द चोला एम्पायर के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ क्लिक ऑन अ थैंक्स आइकन। बाय बाय।